हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अटल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास टेंथ रियल नंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें बोला है कि इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है, तो हम लोग इसको पहले रेशनल नंबर मान लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट 5 - √3 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। अब देखिए, अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस मतलब 5 - √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये P/Q। ठीक है ना। और जहाँ पे P और Q को प्राइम है और Q जो है इक्वल नहीं है किसके, जीरो के, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, इसको हम कैसे करेंगे कि P - Q को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और √3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 - P/Q इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और P/Q जो है प्लस में था तो माइनस हो गया। अब देखिए, ये 5/1 आ गया, तो Q और 1 का जो LCM है वो Q है, तो क्या हो जाएगा, 5Q - P, तो 5Q - P इक्वल टू √3। अब देखिए, यहाँ पे P और Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि इंटीजर्स के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पे हम लोगों को इंटीजर्स ही मिलता है। उसका मतलब क्या होगा कि 5Q - P/Q जो है एक रेशनल नंबर होगा। सो 5Q - P/Q इज अ रेशनल नंबर, है ना, ये रेशनल हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, 5Q - P = √3, √3 के बराबर है, सो दैट √3 इज आल्सो रेशनल, है ना। √3 भी क्या है, ये भी रेशनल हो गया। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि √3 क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग माने थे, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, अब जब हमारा एजम्पशन गलत था, इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, अप्रूव हो गया। तो बच्चों, आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।